लाजपत नगर मोहल्ला है, वहाँ पे चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में 3164 की संख्या में 3164 अदद 500 रुपए की पुरानी करेंसी के पकड़े गए। इसके अलावा 16 नोट 1000 रुपए के डिनोमिनेशन के थे। इनका प्रयास था कि इस नोट को एक्सचेंज करेंगे और एक्सचेंज करके इनका काले धन के रूप में छिपाया था, चुनाव में प्रयोग करने की भी आशंका है, कुछ और भी अवैध काम कर सकते हैं, ये गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्त थे। तो इसमें ये भी देखा जा रहा है कि गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम की भी कार्रवाई इसमें की जाए। पूछताछ चल रही है, इसकी जो चेन है बहुत लंबी है। इसमें कुछ अधिवक्ताओं के नाम आए हैं जो अभियुक्त हैं, तो बताया उन्होंने, वो अधिवक्ताओं ने दिया था, दो लोग हैं पिता पुत्र अधिवक्ता हैं, उन्होंने दिया हुआ था ये नोट ले जाने के लिए, जहाँ पे इसको बतला जाना था। मुकदमा अपराध संख्या 106/17 दर्ज किया गया है और स्पेसिफिक बैंक नोट सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑर्डिनेंस नंबर 10/2016 के तहत ये पहला मामला दर्ज किया गया है जनपद में और संभवतः प्रदेश में भी। और भी कहीं इस तरह के मामला दर्ज होने की जानकारी नहीं आई है। इसके साथ साथ धारा 188 IPC लगाई गई है।